रोशनी इसकी अंधेरों को मिटा देती है। जिंदगी अपनी ये गैरों पे लुटा देती है। इसका मकसद तो है मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है समाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है समाने के लिए। शमा जलती है शमा जलती है। वक्त बदलते ही सब कुछ बदल जाता है, लेकिन अगर हम अपने आप पर काबू ना रख सके तो वक्त तो बदल जाएगा लेकिन हम कुछ संभाल नहीं पाएंगे। बिखरे हुए रिश्ते हमारे सामने पड़े होंगे और हम उन्हें समेट नहीं पाएंगे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दादा चाचा, शमा आपी के इनकार को उनकी बेवफाई समझकर अल्तमश ने मुझसे निकाह कबूल किया था, लेकिन शमा आपी उन्होंने तो इनकार के बावजूद अल्तमश का साथ नहीं छोड़ा। क्या मतलब है तुम्हें? एक तरफ खुद को बेगुनाह कहती हो और दूसरी ओर मोहब्बत में ठुकराई गई लड़की की तरह जिंदगी को ठोकर मारना चाहती हो। क्यों जीते जी सबकी जान लेना चाहती हो? क्यों? मैंने अपनी अम्मी को तो नहीं देखा, लेकिन जब से होश संभाला है मैंने आपको अपनी अम्मी की जगह देखा है। दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या आपको भी लगता है कि हम गलत है? नहीं शमा, नहीं बच्चे, मेरा दिल हरगिज ये नहीं कहता। अगर शायद मेरा खुदा भी आगे मुझसे कहे कि तुमने ये सब कुछ किया, तुमने किसी का हक छीनने की कोशिश की, मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती शमा। लेकिन वो जिन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की समझा दे कैसे कि वो सोहा को ना ठुकरा है, वो सोहा को अपना ले। लेकिन हमें क्या पसंद है कि हमारा ये कदम हम पर इस तरह भारी पड़े कि हम अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। चाची जान, हम अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। अबू कुछ मत सोचिए, कुछ मत सोचिए। इस बात को हम कैसे भूल? क्या ये बात कभी हमारे दिल हमारे जहन से उतर सकती? किसी की बात पर भी यकीन नहीं किया जा सकता अबू, हर बात एक राज है। सोहा को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? और हमारी शमा की खामोशी का सबक? तुमने शहनाज की बातें तो सुन ली, शहनाज जिन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने छत पर अल्तमश और शमा को देखा था। शमा को भी हमने इस बात के लिए डांटा था अबू, पर हमारी तो यही कोशिश थी कि शमा इस बात की हकीकत सबके सामने बयां करे, लेकिन अबू इल्जाम शमा के ऊपर कुछ इस कदर लगा कि वो कुछ बोल ही नहीं सकी। खिलौने देकर बहलाया गया हूं, पर हमें बहलाने की कोशिश मत कर। ऐसे हालात में बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी शमा को हो क्या गया है? आखिर उसने खामोशी क्यों इख्तियार कर ली? और सोहा ने शमा के ऊपर इतना जबरदस्त इल्जाम लगाया कैसे? अब बंधु,
फर्ज से मैं भी सब कुछ सुनकर आ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, जरूर कोई साजिश है, जरूर इसके पीछे किसी की कोई चाल है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ, अब इस बात की गुंजाइश भी कम होती जा रही। अब्बा हजूर, जब तक क्षमा की खामोशी नहीं टूटती, मैं किसी भी बात को लेकर साफ तौर पर मान नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे से जुदा करने की साजिश रची जा रही हो? दूल्हे मियाँ, मैं ठीक कह रहा हूं भाईजान, और मैं वही कहता हूं जो मेरे दिल को मुनासिब लगता है। हम सब एक ही घर में रहते हैं, तो क्या एक दूसरे को मिल भी नहीं सकते? हो सकता है शमा उस वक्त छत पर किसी और काम से गई हो और अल्तमश उसे वहां मिल गया हो, लेकिन सब ने इसको मुद्दा बना लिया। क्या मुद्दा बनाने वाले यही चाहते हैं कि घर में एक दूसरे को कोई मिले ही ना? ये तो तभी होता है जब सबका आशियाना अलग हो। नहीं सलीम मियां, नहीं, मैं दोबारा इस घर को टूटते नहीं देख सकता। दोबारा इस घर को बिखरते नहीं देख सकता। सलीम मियां, एक बार हम एक दूसरे से अलग होकर देख चुके हैं, खुदा ना करे हमें फिर एक दूसरे से अलग होना पड़े। मैं भी खुदा से यही दुआ करता हूं, काश घर के सभी लोगों की यही सोच होती तो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को शर्मिंदा नहीं करते। या अल्लाह, या खुदा, तेरी मर्जी तू ही जाने, लेकिन तू हमारी दुआओं को ठुकरा नहीं सकता। हमारी दुआओं को कबूल जरूर कर। या खुदा, इस घर के तमाम लोगों को गलत राह पे चलने से बचा, उन्हें नेकी की राह अता कर। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। अल्लाह कसम, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, तुमने तो आज वो कर दिखाया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस कदर सबकी इज्जत उतारी है तुमने कि अब कोई अपने गिरेबान में झांकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मुझे इस हद तक पहुंचाने की हिम्मत तो आप ही ने दी थी फूईजान। हाँ, हिम्मत तो मैंने दी थी, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह बोलोगी कि सबको सांप सूंघ जाएगा। अब आप ही बताइए फूईजान कि आगे क्या करना है। मेरे इस कदम पर अगर अल्तमश ने मुझसे नाराज होकर मुझे ठुकरा दिया तो? नहीं नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। अरे इसीलिए तो इस बात को इस हद तक उछाला था। और फिर घर वालों को ये बात तो याद है ना कि आखिर तुम जमाल भाईजान की बेटी हो। अब खुदा ही जाने फूईजान, उन लोगों को ये बात याद भी है या फिर भूल चुके हैं, लेकिन इस बात की खबर तो मैंने अभी तक अब्बू को नहीं दी है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बता देती हूँ। अगर उन्हें बात पता चलेगी तभी तो इस बात की मालूमात होगी ना उन्हें। बोलो फरहत। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। कैसी खुशखबरी? अल्लाह कसम, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आज तो आपकी बेटी ने कमाल ही कर दिया। ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे उसने वो कर दिखाया जो आज तक आप भी ना कर सके। पूरे घर वालों की उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं रही। जवाब देना तो दूर की बात है। ये क्या कह रही हो तुम भाई जान?
दरअसल फरहत सोहा ने तुम्हारे लिए रास्ते आसान कर दिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाईजान। अब इतनी बदनामी के बाद घर के लोग ये दावा नहीं कर सकेंगे कि शमा का निकाह किस घर में और किसके साथ होगा। लोहा गरम है फरहत, मौका देखकर हथौड़ा मार डालो। वो तो मैं करूंगी, लेकिन आपके कानों तक अगर सोहा के बारे में ऐसी कोई बात पहुंचे तो आपको जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। फरहत, मेरे पास हमेशा हर जवाब तैयार रहता है। खुदा हाफिज भाईजान। बहुत खूब फरहत, खुदा हाफिज। अबूजान, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि जरूर कोई बहुत ही खास खबर है। बेटा, सोहा ने उस घर में अपने कारनामे दिखाने शुरू कर दिए। कारनामे मतलब? बस यूं समझ लो कि उस घर के टूटने की बुनियाद पड़ चुकी है। अब फरहत तो ये समझ रही होगी कि घर के टूटने के बाद उसका हुक्म वहां चलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसका भी अंजाम वही होने वाला है जो उस घर के लोगों का होने वाला है। अबूजान, एक बात और, आपको सोहा को ठीक तरीके से समझाना होगा कि वो फूफीजान फरहत को अपनी हमराज ना समझे। बेटा, जितना मासूम तुम सोहा को समझते हो वो उतनी मासूम नहीं है। वो उस घराने की है जहां लोगों को परख कर उन्हें इज्जत दी जाती है या फिर बेइज्जत करके उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है कब किसको कहां चोट कर। सारा, यहां आओ। कहां गई थी तुम? जी, वो बाबा की दरगाह तक गए थे। अकेली? आइंदा अम्मी जान को अपने साथ ले जाया करो। जी जरूर। देखो, हम तुमसे कुछ खास बात करना चाहते हैं। फरमाइए अब्बू। सारा, अब तुम इस घर की मेंबर हो। इस घर में जो भी बातें हो, जो भी तुम सुनो, उसे कभी बाहर मत दोहराना। जाओ, अम्मी जान को हमारे पास भेजो। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। अल्तमश, तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि आज इस घर में कितना बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह? मैंने क्या किया अब्बू? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था अल्तमश कि तुम्हारी वजह से इस पूरे खानदान का सर इस कदर झुक जाएगा। ये बात कभी किसी के तस्वीर में भी नहीं थी। मैंने इससे क्या कर दिया अब्बू? ये क्या कह रहे हैं आप? कब तक ऐसा कहकर अपने आप को बहलाते रहोगे अल्तमश कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया? असल में शर्मसार करके रख दिया है तुमने पूरे खानदान को। क्या क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मैं बताती हूँ तुमने क्या किया। जानना चाहते हो तुमने क्या किया? तुमने शमा के लिए बदनामी का वो दलदल तैयार किया जिसमें डूबकर मर जाना ही शमा की नियति बन चुकी है। क्यों शमा को मारना चाहते हो? क्यों क्यों शमा को जीने नहीं देते? क्यों? किसी एक की नजर में नहीं अल्तमश, अब तो पूरे खानदान की नजरों में तुम गुनहगार साबित हो चुके हो। खुशियां तुमने कब दी ये तो हमें याद नहीं, लेकिन आंखों से आंसू बनकर जरूर गिरने लगे हो अब्बू। हाँ हाँ तमाश, आखिर शमा ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, बताओ। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा सोहा ने कि उसे अपनी शरीकी हयात बनाने के बाद भी तुम खुद को उससे अलग रखना चाहते हो? क्यों शमा को सबकी नजरों से गिराना चाहते? एक रिश्ता होने वाला था जो टूट गया। उस रिश्ते के यार से क्यों शमा की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? बोलो।
जवाब दो अल्तमश, आखिर तुम चाहते क्या हो? ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अल्तमश, क्या ये सच नहीं है कि एक तरफ तुम सोहा को कबूल करने से इनकार करते हो और दूसरी तरफ तुम शमा से मिलने छत पर जाते हो? आखिर क्यों, क्या हो रहा है ये सब? जवाब दो अल्तमश, क्या चाहते हो तुम? क्यों इस घर के टूटने की बुनियाद बनना चाहते हो? जवाब दो। जिन सवालों से मैं बचना चाहता हूं वही सवाल बार बार दोहराए जा रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब मैं खुद तलाशने में लगा हूं, और जिस दिन मुझे उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे मेरी हर बात आपके सामने आ जाएगी। तुम हमारी जुबान बंद कर सकते हो लेकिन सोहा ने तो पूरे घर को शर्म से सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया है ये कहकर कि तुम अब भी शमा की वजह से सोहा को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो। ये ठीक नहीं है तमाश, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम इतने बुरे नहीं हैं सोहा, हम इतने बुरे नहीं हैं कि अपनी छोटी बहन की खुशियां लूटने की कोशिश करें। मालूम नहीं कि तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। मैं आपके आंसुओं पर भरोसा करूं या अल्तमश की बेरुखी पर? मैं आपके अपनेपन को याद रखूं या अल्तमश की ठोकरों को याद रखूं? मैं तो बस एक ठुकराई हुई चीज बन के रह गई हूं। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? क्यों कर रही है आप ऐसा मेरे साथ? हाँ, हम खुद भी इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह अल्तमश को समझा सके। हमारा खुदा इस बात का गवाह है कि हम अल्तमश को इसीलिए मिलने गए थे कि उसे ये गुजारिश कर सके वो तुम्हें ना ठुकराए। हो सकता है कि आपकी बात सच हो लेकिन मैं कैसे यकीन कर रहा हूं? जब इंसान अपने गमों से जूझ रहा होता है ना शमा पे, तो उसे किसी दूसरे की खुशियों को देखकर खुशी नहीं होती। दूसरे की खुशी पर खुश होने के लिए भी ये जरूरी है उसके दिल में भी खुशियां। तुम ठीक कह रही हो सोहा, तुम्हारे गम का पूरा पूरा एहसास है मुझे लेकिन न जाने कौन से जिद और जुनून में आकर तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया जो तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था। सोहा, एक तरफ तो इस घर की बहू होने का दावा करती हो, एक तरफ मेरी शरीके हयात होने की बात करती हो और दूसरी तरफ इसी खानदान की इज्जत के साथ खेलना शुरू कर दिया तुमने। मैंने जो कुछ समझा था उसे समझाने की कोशिश की है बस। तुमसे इससे ज्यादा और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आखिर वो तो तुम जमाल चाचा जान की बेटी ना। जिन्हें खुशी तब मिलती है जब वो किसी मुजरिम को फांसी के तख्ते तक पहुंचा देते हैं। दूसरों की मौत पर कह कहे लगाना उनकी फितरत है और उनका ये असर तो तुम्हारे अंदर भी जरूर होगा और वो असर दिखा दिया है तुम्हें। नहीं अल्तमश, आपको सोहा पर इस तरह का इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। गलती आपसे हुई है, गलती की वजह चाहे जो भी हो पर सोहा को इस घर की बहू बनने के बाद सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी और आपकी बेरुखी ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया। इसकी जिम्मेदार सिर्फ सोहा नहीं है, इसके जिम्मेदार आप हैं,
इसकी जिम्मेदार हम है। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है अल्तमश। इतना कुछ होने के बाद भी तुम ये कहती हो कि कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ बिगड़ा हो या ना बिगड़ा हो, लेकिन सोहा के इस कदम ने इस घर वालों के दिलों में ही नहीं बल्कि मेरे दिल में भी जगह कम कर दी। अब ये इस घर में एक बहू के हक से तो रह सकती है, लेकिन किसी के दिल में रहना ये अब इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। नहीं अल्तमश, ये इस घर में भी रहेगी और आपके दिल में भी रहेगी। आपको सोहा के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं बस इतना ही कहने आया था सोहा कि काश तुमने थोड़ा सब्र से काम लिया होता। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तो वही किया है जो मैं करने आई हूं और आगे भी मुझे करना तो वही है। अपनी मोहब्बत तो तुम अपने पास ही रखो शमा, मैं तो बस अपना खेल खेलूंगी। अपने सीने का हर एक दर्द छुपाने के लिए, अपने सीने का हर एक दर्द छुपाने के लिए।